सोशल मीडिया में एक न्यूज वायरल हो चुकी है कि मुकेश खन्ना ने कपिल शर्मा का शो अटेंड क्यों नहीं किया। किसी ने अपनी तरफ से खुद वीडियो बना के डाली, अपनी तरफ से खुद का कारण निकाला कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो मुकेश खन्ना को इनवाइट नहीं किया गया होगा, या दूसरा ये लगता है कि मुकेश खन्ना जी ने खुद मना कर दिया होगा। अब मैं इस कंट्रोवर्सी को हटाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यस इट इज मी हु सेड नो टू दिस शो। इसके अंदर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, वो भी हमारे महाभारत की टीम की तरफ से हुई, जो मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भले ही ये पूरे हिंदुस्तान भर में करोड़ों लोग देखते होंगे और बहुत बड़ी टीआरपी लेके एक बहुत बड़ा शो है, पर मैं कभी भी टीआरपी वाले शो को अच्छा या बुरा टीआरपी देख के नहीं बोलता। मैं हमेशा से कहता हूं कि करोड़ों लोग देखते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि आपको देखना है। आपको देखना है कि नहीं देखना वो बताइए आप मेरे को। जस्ट बिकॉज करोड़ों लोग देख रहे हैं तो क्या आप बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो? मेरा जो ये मेरी राय है कि ये शो में आज से नहीं, बहुत टाइम से मेरे को इसके पीछे शिकायत है कि इससे ज्यादा वाहियात, इससे ज्यादा फुहड़ता से भरा हुआ, इससे ज्यादा अश्लीलता की और डबल मीनिंग डायलॉग्स लेके हर पल ऑब्सिनिटी की तरफ जाता हुआ ये शो है, जिसमें मर्द लोगों को औरतों के कपड़े पहना दिए जाते हैं और वो फिर उसमें कॉमेडी करते हैं, और मुझे हैरानी होती है कि लोग हंसते क्यों है उसके ऊपर। और कॉमेडी ऐसे नहीं है, कॉमेडी सिर्फ कपड़े पहनकर और ये क्या कर रही है तू, बैठता हूँ मैं, आपका ये करता हूँ, और लोग हंसते हैं, और हंसने के लिए भी एक स्पेशल कुर्सी बना के रखी हुई है शो में, जिसको सिंहासन कहते हैं, जिसके ऊपर एक शख्स को बिठा दिया जाता है कि जो जोर से हंसता है, हंसी नहीं भी है तो भी हंसता है, और इसके लिए उसको पैसे मिलते हैं। और पहले ये काम आप सब भी जानते हैं, मैं जो बात कर रहा हूं, हमारे सिद्धू जी क्या करते थे, किसी कारणवश उनको हटा दिया गया तो अभी हमारी अर्चना बहन करती है, जिनका काम होता सिर्फ हा 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 करना। ये कंसेप्ट यहां का नहीं, ये बाहर का कंसेप्ट है। ये बाहर ने डाला था कि जब किसी जगह पे कोई कॉमेडी में कोई पता नहीं हंसेगा कि नहीं, बिकॉज स्टेज तो होता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, लाफ्टर डालते हैं पीछे से, ताकि आपको भी लगे कि इसमें हंसना है मेरे को, और तो हम भी हंसते हैं। मैं इस शो के बारे में इसलिए बोलना चाहता हूं कि जगह जगह पर डबल मीनिंग डायलॉग्स लिए जाते हैं, मुझे इसका ऑब्जेक्शन था, इसलिए मैंने इस शो के बारे में तब मना किया जब गोफी पेंटर हमारे शकुनी मामा, मुझे लगता है जब महीना पहले ये बात निकली थी, उन्होंने कहा मुकेश रामायण की टीम को बुलाया है कपिल देव, कपिल शर्मा के शो में। मैंने कहा हाँ मैंने भी सुना है, तो लगता हमको भी बुलाने वाले हैं। अब मैंने उसी वक्त पर मैंने कहा गोफी तुम सब लोग जाना, मैं नहीं जाऊँगा। उसने आश्चर्य प्रकट किया, बोला मुकेश इतना बड़ा शो, बड़े बड़े एक्टर जाते हैं उसमें, बड़े बड़े स्टार्स जाते हैं। मैंने कहा जाते होंगे सब बड़े बड़े स्टार्स, लेकिन मुकेश खन्ना नहीं जाएगा। उसको भी आश्चर्य हुआ, और वहां मैंने साफ साफ अपने लफ्ज में कहा था कि मैं इनवाइट करेंगे तो भी नहीं जाऊंगा। और अब बात ये निकल रही है कि मुझे इनविटेशन ही नहीं मिला था, और ये बात जानते हैं कौन, हमारे महाभारत के जो अपने आप को धर्मराज कहते हैं, उनकी तरफ से एक अगेन एक बैड टेस्ट में एक पेपर में इंटरव्यू में छपा था कि मुकेश खन्ना जो है वो उनके लिए अंगूर खट्टे हैं क्योंकि अंगूर मिले नहीं। अरे साहब, इसको आप अंगूर मानते हैं? मैं अपने धर्मराज जी को पूछना चाहूंगा कि इस शो में बुलाने पर क्या आपका कद बढ़ गया है? ये बड़े बड़े जितने भी स्टार्स लोग जाते हैं वो जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर की बात अगर आपको मालूम हो तो कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है कि आपको हर जगह प्रमोशन पे चलना पड़ेगा। बात यहां मुझे बुरी क्या लगी, उन्होंने कहा कि भाई अंगूर खट्टे हैं मुकेश जी का, और मुकेश जी कह रहे हैं कि उनको तो उन्होंने मना कर दिया, पर जहां तक मैं जानता हूं, उनका ये कोटेशन है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, जहां तक मैं जानता हूं उनको तो इनवाइट ही नहीं किया गया था। आपको क्या लगता है भीष्म पितामह के बगैर महाभारत पूरी हो सकती है? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं भीष्म पितामह की तारीफ कर रहा हूं। अगर कोई महाभारत के आर्टिस्टों को बुला के अगर शो करना चाहता है तो वो सबसे पहले भीष्म पितामह का नाम उसके दिमाग में आएगा, कृष्ण का नाम आएगा दिमाग में।
शकुनी मामा का नाम दिमाग में आएगा, फिर धीरे धीरे करके सबका नाम आते आते धर्मराज जी का भी नाम आएगा। लेकिन धर्मराज जी कह रहे हैं कि मुकेश खन्ना को तो इन्वाइट ही नहीं किया गया था भाई, और मुकेश खन्ना कहते हैं कि उन्होंने गोफी को मना कर दिया था कि मैं शो में नहीं आऊंगा, और गोफी जो कोई वो कोई स्टार इस शो के कोई कास्टिंग डायरेक्टर थोड़ी है कि उन्होंने उनको मना कर दिया। जहां तक मैं समझता हूं कि मेरे मना करने पर गोफी पेंटल की जब डिस्कशन निकला होगा, कि हमारी पूरी फैमिली है, हम महाभारत के सभी आर्टिस्ट मिलके शो करने जाते थे, पूरे इंडिया में हमने कितने 50 शो कर डाले हैं, 5 आर्टिस्ट 6 आर्टिस्ट 7 आर्टिस्ट, तो वहाँ डिस्कशन हुआ होगा। रेणु चोपड़ा जी भी, रवि चोपड़ा जी की मिसेज के साथ में जब डिस्कशन हुआ होगा कौन कौन आ रहे हैं, तो उस वक्त शायद हो सकता है, मैं अगेन अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है कि गोफी पेंटल ने कह दिया होगा कि मुकेश खन्ना तो बोल रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इन्वाइट नहीं किया गया। ये मैं साफ बोलता हूँ कि मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं किया, पर मैं इसको ये बोलता हूँ कि मैंने मना किया था इसलिए मुझे इनवाइट नहीं किया गया था। और अगर मुझे इनवाइट करते तो उनको लगा कि भी हम मुकेश खन्ना को पूछेंगे वो हमें ना कर देंगे तो हमारा और भी बुरा लगेगा हमको, तो इससे बचने के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया। लेकिन मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता। क्या है ये शो? अच्छा है, ठीक है, पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, हिंदुस्तान बैठ के देखता है, बहुत बड़ी TRP है, करोड़ों लोग देखते हैं उसको, लेकिन है क्या ये शो? किसी ने अच्छा एक कमेंट पास किया, कुछ कमेंट्स में मैंने पढ़ा, उसने कहा अगर ये शो इसीलिए पॉपुलर है कि इसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, उनको निकाल दो तो ये शो में कोई कंटेंट ही नहीं है, वो उनकी वजह से लोग देखता है कपिल देव के शो को। मैं ये नहीं, मैं बुराई नहीं करना चाहूँगा, कपिल शर्मा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, स्टैंड इन आर्टिस्ट हैं, कॉमेडी करते थे, लेकिन मुझे उनसे शिकायत आज की नहीं। अगर मैं आपको और भी अंदर की बात बताऊं, कई लोग मुझे पूछेंगे सर क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा आपको एक तो मैंने अभी रिसेंटली बता दिया था कि आपको मालूम है इसके पहले रामायण जब कास्ट को बुलाई गई थी, ये बात मैंने नीतीश भरद्वाज को भी कहा, मैंने कहा डू यू नो नीतीश, पिछले शो में मैंने सिर्फ प्रोमो देखा था, प्रोमो में कपिल शर्मा पूछते हैं अरुण गोविल को, अरुण इमेजिन करो कि तुम बीच में नहा रहे हो और अचानक भीड़ में से कोई आदमी बोल बैठता है, अरे देखो 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 श्री राम जी भी VIP अंडरवियर पहनते हैं। अरुण गोयल का एक क्लोजअप दिखाया प्रोमो में, उसने स्माइल किया। ये इतना सवाल बेहूदगी से भरा हुआ, आप एक ऐसे शख्स को बोलते हैं जो राम की इमेज कैरी करके घूमता है, और भी बहुत सारे सवाल होते हैं। अरुण गोविल ने मैंने सुना सिर्फ स्माइल कर दिया था, मैंने कि वो शो देखा नहीं, हो सकता है उसने जवाब भी दिया पर मुझे नहीं मालूम क्या जवाब दिया, लेकिन मैं होता तो मैं कपिल जी का मुंह बंद कर देता कि तमीज से सवाल पूछा करो, हमारे हिंदुस्तान इमेज पर जीता है, आस्था पे जीता है। क्यों हमारा हिंदुस्तान टिका हुआ है? क्योंकि श्री राम कृष्ण भीष्म अर्जुन देवियां देवता शिव जी विष्णु इन सब पर आस्था है, इसी आस्था पर हमारा देश टिका हुआ है। और अगर किसी आदमी की इमेज की आस्था को आप इस तरह से मजाक उड़ाते हो अपने शो में, क्योंकि आपका ये शो कॉमेडी से शो है, कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं साहब कॉमेडी इसको नहीं बोलते, कॉमेडी बोलते हैं जो चलती का नाम गाड़ी फिल्म बनी थी इतने सालों पहले, अशोक कुमार किशोर कुमार और अनूप कुमार थे, तीनों भाई इसमें थे, मधुबाला थी उसके अंदर, आज भी देखो उसको आप 4 बार नहीं 10 बार देख सकते हैं, आपको हर सेंटेंस पे हंसी आएगी, क्योंकि वो कॉमेडी घुसाई हुई नहीं थी, सिचुएशनल कॉमेडी, पूरी फिल्म में सिचुएशन के ऊपर कॉमेडी बनी थी इसीलिए हंसी आती है। तो सिचुएशनल कॉमेडी बनाइए। आजकल कॉमेडी का स्तर क्या गिर गया है? मोटा आदमी, गंजा आदमी, कोई आदमी अनकाना होता है या कोई आदमी लड़का लड़की बन जाता है, हम आकार के ऊपर, हम वेट के ऊपर और हम खामियों के ऊपर कॉमेडी करते हैं और लोग हंसते हैं करके, नहीं साहब कॉमेडी उसको बोलते हैं कि आप सिचुएशन क्रिएट कीजिए, सीरियसली भी करिए आपको कॉमेडी। राजेंद्र नाथ का देखो आज तक फेस कभी कॉमेडी में नहीं आता था, लेकिन उसके हरकतों पे कॉमेडी हमको मजा आता था करने को। आज के अंदर की क्या फुवड़ता भर गई है, हर बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं और ये, तो मैं आपको बता दूं मैं ऐसे शो के फेवर में नहीं हूं, और माफ करना ये सब चीजें हमारे TV इंडस्ट्री का पूरा फ्रेम चेंज कर दिया है। पिछले 20 सालों में सारे शोज फॉरेन के कॉपी करके बनाए हुए, राइट्स लेके बनाए गए हैं, ये भी वहीं का शो है जहाँ पर वो लोग हंसते हैं, वहाँ पर वो लोग वन लाइनर करके बहुत बड़े स्टैंड इन कॉमेडियंस होते हैं, वहाँ उनका इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है और इन्जॉय करते हैं। हमारे यहाँ पर गाँव में अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, सीधे साधे भोले भाले लोग बैठे हुए हैं जिनके सामने आपको ये नहीं कहना चाहिए कि श्री राम जी आप भी VIP अंडरवियर पहनते हैं क्या। वेल दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट दिस वायरल न्यूज़ की
मुकेश खन्ना कपिल शर्मा के शो में क्यों नहीं?